चावल के आटे और हरे मटर से बना के तैयार करेंगे हम इस नाश्ते को। ये नाश्ते को जो है आप एक बार बना के आराम से फ्रीजर में स्टोर करके हफ्ते भर से इंजॉय कर सकते हैं। ये ख़ास तौर पे बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। इसे आप चाहे तो बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो बिना देर के बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ एक बाउल चावल का आटा, तो मैं इस बाउल का मेजरमेंट करके सब कुछ आपको बताऊँगी। साथ में आधा बाउल लेंगे सूजी, तो यहाँ पे आप चाहे तो सिर्फ सूजी या सिर्फ चावल के आटे से बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ एक बाउल पानी और इसे अच्छे से करेंगे मिक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, तो फिर से मैं एक बाउल पानी डाल रही हूँ। तो यहाँ पे हमने जैसे एक बाउल चावल के आटा और आधा बाउल जो है हमने सूजी लिया था, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे तीन बाउल टोटल पानी का यूज करना है, नहीं तो हमारा नाश्ता जो हल्का सा कच्चा कच्चा लगेगा। तो तीन बाउल मैं यहाँ पे टोटल पानी डाल दी हूँ और इस तरह का कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। और यहाँ पर सेम बाउल से मैं एक बाउल ली हूँ हरी वाली मटर। तो यहाँ पर एक जार लेंगे और इसमें डालेंगे 4 से 5 हरी मिर्च, 3 से 4 डाल देंगे लहसुन के पीसेस और इस हरे मटर को डाल के इसका हम पेस्ट बना लेंगे। कोशिश करें कि बिना पानी का ही इसका पेस्ट को जो है बना के तैयार करें। तो इस तरह हल्का दरदरा पेस्ट को जो है हम बना के तैयार कर लेंगे। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है मिर्च जो है वो अच्छे से मिक्सी में पीसी नहीं हुई, तो इसे हम निकाल लेते हैं और इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें बहुत कम मसाले का यूज करेंगे। तो पहले डाल रही थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, स्वाद अनुसार डाल देंगे नमक, आधा चम्मच डालेंगे रेड चिल्ली फ्लेक्स। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, पर इसे डालने से जो नाश्ता बहुत अच्छा दिखेगा इसीलिए मैं डाल रही हूँ। आधा चम्मच डालेंगे गरम मसाला और इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और बिल्कुल भी मसाले का मैं यहाँ पर यूज नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। पैन में लेंगे 1 चम्मच तेल। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो आधे चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा को अच्छे से पकने देंगे। गैस की फ्लेम को यहाँ पे मीडियम कर देंगे और इस नाश्ते के बैटर को यहाँ डाल देंगे और लो फ्लेम पे ही कंटिन्यू इसे हम हिलाते हुए पकाएंगे। देखेंगे कि बहुत जल्दी जो है ये गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। कंटिन्यू हम इसे इसी तरह चलाते रहेंगे। थोड़ी देर भी अब देख सकते हैं बिल्कुल डो की फॉर्म में ये आ चुका है। तो गैस को यहाँ बंद कर देंगे और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकालने के बाद में हम इसे इसी तरह थोड़ी देर मसलेंगे, जिससे जो है ये और भी सॉफ्ट हो जाएगा और ठंडा भी जल्दी हो जाएगा। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तो आप देख सकते हैं प्लेट भी जो है अच्छे से क्लीन हो जा रहा है, यानी कि परफेक्ट ये ठंडा हो चुका है। हाथ में हल्का सा ऑयल लगा लेंगे जिससे हाथ में चिपके नहीं, और थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेके इस तरह टिक्की का शेप दे देंगे। और इसमें साइड से जो क्रैक आ रहे हैं उसे हम इस तरह अच्छे से दबाते हुए सील कर देंगे। आप चाहे तो इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ऐसे भी बहुत टेस्टी लगेगी। पर इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे मकई का आटा ली हूँ और इसके ऊपर मैं अच्छे से कोट कर दे रही हूँ। इससे जो है और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा और इसकी सेल्फ लाइफ भी जो है थोड़ी सी बढ़ जाएगी। इसी तरह हम सारी टिक्की को बना के तैयार कर लेते हैं और इसके बाद में आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रख दें, जिससे जो है ये अच्छे से सेट हो जाएगा। उसके बाद आप किसी भी जीपलॉक बैग में इसे करके आप आराम से 15 दिन तक रख के खा सकते हैं। जब भी बच्चे जो है खाने की शाम की भूख में थोड़ी सी मांग करें तो आप इसे हल्के सेलो फ्राई करके आप उसे इन्हें दे सकते हैं। इसी तरह हम सारी टिक्कियां को बना के करेंगे तैयार। तो यहाँ पे सारी टिक्की जो है बन के तैयार हो चुकी है। तो आप चाहे तो इसे अभी भी ऐसे फ्राई कर सकते, पर मैं इसे रख देंगी थोड़ी देर के लिए फ्रिज में, जिससे और भी अच्छे से जो है इसके ऊपर की कोटिंग जो है सेट हो जाएगी। तो आधे घंटे के बाद में मैं इसे फ्रिज से निकाल ली हूँ। तो इस स्टेज पे जो है आप इसे किसी भी एयरटाइट डब्बे में करके फ्रीज़र में रख सकते हैं। तेल जो है यहाँ पे हल्का गरम करेंगे और इसमें एक एक करके जितनी टिक्की आए उतना हम डाल देंगे। आप इसे चाहे तो तवे में भी सेक के खा सकते हैं या फिर डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर सेलो फ्राई कर रही हूँ।
जब नीचे से हल्का सा सीख जाए तो इसे हम इस तरह पलट लेंगे। तो आप भी इस नाश्ते को एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें। यकीन मानिए, ख़ास तौर पे ये आपके बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, 5 से 6 मिनट में जो है ये फ्राई हो जाएगी एक बैच। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो आपको ये मटर और चावल के आटे की नाश्ते जो है कैसी लगी, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। मैं इसे सर्व कर रही हूँ टोमेटो केचप और हरी वाली चटनी। इसका डिटेल वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो आप भी इस नाश्ते को एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।